क्या ये माना जाए कि झारखंड में बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं? दरअसल हाल के दिनों में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि सरकार अपने कमिटमेंट को लेकर से गंभीर नजर आ रही है, खासकर के बेरोजगार नौजवानों को नियोजन के साथ, रोजगार के साथ जोड़ने के विषय पर। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं मेरी नीलिमा क्रिकेटर, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ये बातचीत के क्रम ये बात सामने आई कि जेपीएससी अब तमाम परीक्षाओं को समय पर लेगा, पारदर्शी तरीके कैसे लेगा। उसके दूसरे ही दिन यानी कल शाम को जो असिस्टेंट इंजीनियर का रुका हुआ जो इंटरव्यू था उसको जारी करने को लेकर के तारीख का की घोषणा कर दी गई है। आगामी 10 अक्टूबर से जो बचे हुए असिस्टेंट इंजीनियर के जो परीक्षार्थी हैं वो अपने इंटरव्यू दे सकेंगे, साक्षात्कार दे सकेंगे और उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। इस बीच जेएसएससी यानी कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भी हाल के दिनों में ये देखा गया है कि उनकी एक्टिविटी बढ़ी है और एक के बाद एक वैकेंसी लाने की कोशिश और प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि ये बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है, जिस तरह से झारखंड में और पूरे देश के स्तर पर बेरोजगारों की फौज तैयार हुई है उसके सामने देखा जाए तो ये बहुत छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन इसका वेलकम जरूर किया जाना चाहिए। कल ही हम लोगों ने देखा है कि जेएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण पदाधिकारी हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इस बाबत जो आवेदन मांगे जाएंगे और के लिए बाजाब्ते पूरी नोटिफिकेशन वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो जेई की परीक्षा हुई थी जिसमें क्वेश्चन पत्र लीक हो गया था, प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से काफी हंगामा हुआ था, जेएसएससी की गिरकिरी हुई थी और यह कहा जाने लगा था कि जब एक नए सिरे से फिर से जेई की परीक्षा हो रही है तो उसी एजेंसी को उस परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है जिसके रिज्यूम में यह परीक्षा पत्र जो है, क्वेश्चन पत्र जो है वो लीक हुआ है। लेकिन जेएसएससी ने इस बात का क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, हमने कंपनी को, उस एजेंसी को हटा दिया है और नई कंपनी को जिम्मेदारी दी जा रही है, यानी उस कंपनी से अब जेएसएससी का कोई वास्ता, कोई नाता नहीं है। तो ये दो चार स्टेप ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं गंभीरता नजर आ रही है और बेरोजगार नौजवानों के हित में भी सरकार या कमीशन हो या आयोग हो वो गंभीर नजर आ रही है। हालांकि इसी बात को और तेजी लाने की जरूरत है और इसमें स्पीड लाने की जरूरत है ताकि जो कमियां रह गई हैं उसको समय रहते पूरा किया जाए, क्योंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लगभग 3 साल का वक्फा जो है वो पूरा हो चुका है। 2 साल का समय बचा है जिसमें भी इलेक्शन का जो दौर शुरू हो जाएगा उस दौरान आपको पता है कि केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, कामकाज से आमतौर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। लिहाजा बेहद कम समय है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के पास और इस कम समय में उनको नौजवानों के साथ जो वादे किए गए हैं उस वादे को एटलीस्ट पूरा करने की जिम्मेदारी है। और उस वादे में एक वादा यह भी है कि उन्होंने ये कहा था, श्रम विभाग की तरफ से ये कहा गया था, खुद उनके मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कई बार ये कहा है कि हम बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर सरकार ने अब तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। लिहाजा तमाम छात्र ये चाहते हैं कि अगर नौकरियों में देरी हो रही है, वैकेंसी लाने में देरी हो रही है तो कम से कम छात्रों के जीवन यापन के लिए, कम से कम उनको पढ़ने लिखने के लिए इतनी मदद आर्थिक तौर पर जरूर की जानी चाहिए ताकि वो अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सके। लिहाजा कम से कम ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता देने पर सरकार कोई डिसीजन लेगी। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये प्रस्ताव आएगा, लेकिन ये प्रस्ताव नहीं आया है। बहरहाल उम्मीद बाकी है कि अभी भी प्रस्ताव लाने के लिए उनके पास समय है। इस बीच जो तमाम जो आंदोलनकारी छात्र हैं या छात्र नेता हैं वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी समय सरकार के पास बचा हुआ है उस समय में सरकार अपने किए गए वादे को पूरा करेगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि जेपीएससी जिसने 7 जेपीएससी से 10 जेपीएससी की परीक्षा तो ले ली है, 11 जेपीएससी की परीक्षा को लेकर कब नोटिफिकेशन जारी होता है, चूँकि जो कमीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो दिन रात तैयारी कर रहे हैं लेकिन जब तक उनके लिए वैकेंसी नहीं आती है तब तक वो कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं। लिहाजा उनकी बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मेहनत का वेलकम किया जाना चाहिए और इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि जो भी परीक्षाएं हो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हो ताकि किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं रहे और किसी भी छात्र के साथ इनजस्टिस नहीं हो। उसी तरह जेएसएससी से भी ये उम्मीद की जाती है कि जो भी परीक्षाएं हो उसमें इस तरह की, जिस तरह जेई के परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, उस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं छात्रों के साथ इनजस्टिस होती है और छात्र जो हैं हतोत्साहित होते हैं।
लिहाजा पुरानी एजेंसी को हटाने का तमाम छात्रों ने वेलकम किया है। अब जो भी वैकेंसियां होल्ड पर हैं, रखी गई हैं, उनको जारी करना चाहिए और बेरोजगार नौजवानों को मौका देना चाहिए ताकि खुद को वो रोजगार के साथ जोड़ सकें और झारखंड के विकास में वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो फिलहाल मुझे और मेरा कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत, नमस्कार। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन, सैनिटरी फिटिंग्स, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ, बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।